दोस्तों भारत ने तीसरे दिन ही मैच जीत कर रच दिया इतिहास। तो क्या है खबर की पूरी जानकारी बताएंगे इस वीडियो में। अगर आप भी हैं टीम इंडिया के फैन तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को बॉर्डर गावस्कर सीरीज के पहले टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन ही हरा दिया। ये जीत भारतीय टीम के लिए बहुत बड़ी जीत रही क्योंकि टीम इंडिया ने इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरीके से सीरीज में पछाड़ दिया है। दरअसल दोस्तों इस सीरीज के पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता था और वो टॉस उनके लिए काफी भारी हो गया क्योंकि दो इनिंग मिलाकर भी वो टीम इंडिया के एक इनिंग के बराबर नहीं पहुंच पाए। इसी वजह से दोस्तों इस मुकाबले को टीम इंडिया ने एक इनिंग और 132 रनों से जीता है। अब इस मुकाबले में टीम इंडिया की जीत मामूली जीत नहीं है क्योंकि भारतीय टीम के गेंदबाजों ने इस मुकाबले में शानदार गेंदबाजी की, जहां पर दोस्तों रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, मोहम्मद शमी ने तो यहां पर तूफान ही ला दिया। उसके अलावा दोस्तों टीम की तरफ से अक्षर पटेल और उसके अलावा दोस्तों टीम में रोहित शर्मा जैसे बल्लेबाजों ने जिस तरीके की बल्लेबाजी की उसी के बदौलत टीम इंडिया ने यहां पर 400 का आंकड़ा छुआ था। अब दोस्तों टीम इंडिया मुकाबला जीत गई है, इससे भारतीय टीम का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पास एक और कदम बढ़ गया है। अगर भारतीय टीम बाकी बचे तीन में से दो मुकाबले भी जीत जाती है तो भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच जाएगी। इससे भारतीय टीम को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। आप किस पर क्या राय है अपनी राय हमें नीचे कमेंट में बताइए। आपको लगता है क्या भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच जाएगी ये भी बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।